और ये मेरी और आपकी जिंदगी के साथ एक मुल्हक मसला है। وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, जब तुम सफर करो तो सफर में बहुत सारी आसानियां मिल जाती हैं। मर्द पे जुमा फर्ज है, मुसाफिर बन जाए तो फर्जी खत्म हो जाए। रोजा वाजिब है, फर्ज है, लेकिन अगर आप सफर पे हैं तो शरीयत आपको इजाजत देगी। लैसा मिनल बिर सियाम फी सफर, ये कोई नेकी नहीं है। होता ही हुआ ये कि सफर में थे, कुछ लोगों ने साया किया हुआ, कुछ लोग बैठे हैं। पूछा क्या है, कहते हैं जो बैठे हुए उन्होंने रोजा रखा हुआ है, जिन्होंने साया किया रोजा नहीं रखा था, शरीयत की आसानी नहीं थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लैसा मिनल बिर सियाम फी सफर, सफर में रोजा रखना कोई नेकी नहीं है कि अपने आप को तुम हलाक कर बैठे। वहां सफर की आसानियों में एक ये भी आसानी है कि आप कसर नमाज पढ़ सकते हैं। ये कसर नमाज क्या होती है? सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, नमाज दो रकअत फर्ज हुई, सफर में दो दो की दो ही रह गई और हजर में अल्लाह ने उसको ज्यादा कर दिया। आप जब सफर करते हैं, कितना सफर, जअला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासत फरासिख, सही मुस्लिम की रिवायत है 3 फरसख अगर आप सफर करें तो आप कसर कर सकते हैं। ये फरसख क्या होता है? एक फरसख 3 हिजाजी मील का होता है, तो 3 फरसख, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 मील हिजाजी बन गए। 9 मील हिजाजी को अगर बरतानवी किलोमीटर के साथ चेक करें तो 22.5 किलोमीटर बनता है। आप 22.5 किलोमीटर सफर करें तो आप कसर कर सकते हैं। सुबह की नमाज 2 रकत है तो 2 रकत पढ़ेंगे। सुन्नते चूंकि अल्लाह के रसूल ने सफर में भी नहीं छोड़ी, हजर में भी नहीं छोड़ी, तो पढ़नी पढ़नी है, खास सफर में हो या घर में। जोर की नमाज 10 की बजाय हम 2 रकते पढ़ेंगे जो फर्ज है। असर की नमाज जो 4 रखते हैं हम 2 रखते पढ़ेंगे। मगरिब की नमाज 5 रखते हैं, हम सिर्फ पहले 3 फर्ज पढ़ेंगे, सुन्नतें नहीं पढ़ेंगे। इशा की नमाज जो है उसके सिर्फ 2 रखते पढ़ने के बाद हम वितर पढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने वितर भी सफर में भी नहीं छोड़ा और हजर में भी नहीं छोड़ा। आप कितने दिन तक सफर कर सकते हैं और कसर कर सकते हैं? आप जमूर कहते हैं अगर कोई 3 दिन सफर में है तो 3 दिन तक कसर कर सकता है। लेकिन शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह और शेख इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब बांधा है, बाब अबवाब तकसीर, उसके अंदर जो हदीस लेके आए अब्दुल्लाह बिन अब्बास की, कि आप 19 दिन तक कसर कर सकते हैं। शरीयत की कितनी बड़ी आसानी है।